enter Bollywood. Want to catch all the excitement of Bollywood? Just log on to zoomtv.in. अमिताभ बच्चन को अब तक एक्टिंग के लिए कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, मगर अब उन्हें मिल गया है उनके स्टाइल स्टेटमेंट के लिए भी एक अवार्ड। और इस अवार्ड सेरेमनी में आए अमिताभ बच्चन ने रिवील किया कि वो कायल हो गए हैं किसी हसीना के, जिनकी तारीफ उन्होंने अपने ब्लॉग में भी की है। तो कौन है ये एक्ट्रेस, आइए देखते हैं किटकैट ब्रेकिंग न्यूज में। अमिताभ बच्चन के स्टाइल का लोहा सारी दुनिया तो मानती है, मगर हाल ही में GQ मैगजीन ने उन्हें दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लेकिन स्टाइल का ताज पहने बिग बी तो किसी और के ही कायल हैं। एक ऐसी हसीना जिसके गुणगान करते अमिताभ नहीं थकते। आपको जानकर हैरानी होगी कि वो दीवा अमिताभ की बहू ऐश्वर्या नहीं बल्कि कटरीना कैफ हैं। बिग बी ने अपने ब्लॉग के जरिए किए हैं कैट के गुणगान। उन्होंने कटरीना की बढ़ती फैन फॉलोइंग का जिक्र किया और साथ ही कटरीना की कामयाबी पर नाज भी किया। लुक्स लाइक बिग बी हैज लॉट टू से अबाउट कैट। वी वंडर व्हाट सलमान एंड ऐश मस्ट बी थिंकिंग। अमिताभ ने तो कटरीना की तारीफ अपने ब्लॉग में की, मगर जब कटरीना से पूछा गया उनका फेवरेट एक्टर तो किसी का भी नाम कैट की जुबान पर नहीं आया। इस अवार्ड सेरेमनी में ऐश्वर्या और अभिषेक भी थे, पर जहां तक बात है इन दोनों की तारीफ की तो बिग बी इससे भी बचते दिखे। जब उनसे पूछे गए उनके स्टाइलिश एक्टर्स तो उन्होंने गिनवाए कई नाम। जैकी ड्रेसेस वेरी वेल, संजय, शाहरुख, सलमान, देयर आर सो मेनी। तो आखिर अपने बेटे और बहू को क्यों भूल गए अमिताभ? You know, then you'd say I'm big bias. अमिताभ को ये अवार्ड मिलेगा इसका भरोसा उन्हें पहले से था। जब वो रेड कार्पेट पर आए तभी कर दिया शहनशाह ने ये ऐलान। अमिताभ के अलावा यहाँ सैफ और करीना को भी अवार्ड मिला। करीना को मिला एक्सीलेंस ऑफ द ईयर अवार्ड, तो वहीं सैफ को घोषित किया गया सबसे स्टाइलिश मैन। I was quite stylish before also. But now I'm more stylish perhaps. बिल्कुल छोटे नवाब, आखिर इसमें बेबो का हाथ जो है। सैफ का स्टाइल यहाँ हमें थोड़ा अजीब लगा, बड़े बड़े स्पेक्स और चिपके हुए बाल, जाने सैफ ने क्यों बनाया था अपना ये हाल। वहीं कटरीना लग रही थी एक डीवा जिन्होंने पहन रखा था रंग लाल। इसके अलावा करीना, अभिषेक, ऐश और फरहान सब ने बिखेरे अपने स्टाइल के जाल, यानी बॉलीवुड का जादू बिखरा रहा हर तरफ ओवरऑल। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई।